नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास प्लस वन सेवन चैप्टर करेंगे और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमारा जो है सेवन चैप्टर का नाम है। जनरली हम यहाँ पे जो है आपको कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में हम यहाँ पे जो करवाने वाले हैं। तो अर्थवर्म हो चुका है हमारा, आपको आंसर देना है कि अर्थवर्म जो कौन से फाइलम में आता है, कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है, ठीक है, एंड फ्रॉग जो कौन से फाइलम में आता है। इन तीनों का जो है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द देना है। देखता हूँ आपको कितना आंसर पता है इसका। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन होती है कोई भी अपडेट होती है हिमाचल गवर्नमेंट की या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आपको मिल जाती है। वहां पे क्वेश्चन पेपर्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको नीट, एचपीटेट, एचपीटीएसटी, एचपीपीएसटी के क्वेश्चन आपको पेपर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कोशिश करूंगा सारे के सारे डालने की, ठीक है। सीएसआईआर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे, पीजीटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो वहां पे आपको जो स्टोर सेक्शन के अंदर इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स, जो आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीएचटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीके के नोट्स आपको वहां पे जो मिल जाएंगे, तो आप उसको जो ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं बायोलॉजी का क्लास प्लस वन का जो सेवन चैप्टर है उसमें आज हम जो कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉकरोच के ऊपर जो आएंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा कॉकरोच किसके बारे में जानना है, हमको कॉकरोच के बारे में जो है जानने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीड जो आपके कॉकरोच होते हैं वो ब्लाइंड ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीड जो आपके होते हैं, और ये किस फाइलम में आते हैं आपके, ये आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। और क्लास कौन सी है इनकी, इंसेक्टा जो क्लास इनकी होती है, ठीक है। जनरली आपको देखने को मिलता है ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर के जो आपको कॉकरोच जाके देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए साइज अगर बात करें तो 1/4 इंच होता है आपका, ठीक है, 3 इंच तक का जो आपका साइज इनका जो देखने को मिलता है। और इनके पास एंटीना, लेग्स, फ्लैट एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और बॉडी वॉल भी होती है इनके पास। और जनरली आपके नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं किस समय, नाइट टाइम में जो आपके एक्टिव जो होते हैं, ठीक है। और जनरली आपको ओमनीवोर्स आपको ये होते हैं, कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली आपका जो ह्यूमन होम्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। तो हम अगर मोर्फोलॉजी की बात करें, इसका जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमन रीजन, इन तीन भागों में इसको जो बांटा गया है। देखिए जो कॉकरोच होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना उसके जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, याद रखना है। तो कॉकरोच जो है एक तरह से बॉडी कैसी है, वो कॉकरोच की बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है, कैसी है, सेगमेंटेड जो बॉडी है, और उसको तीन रीजन्स में बांटा गया है, हेड थोराक्स एंड एब्डोमन रीजन में उसको जो बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए जो कॉकरोच की बॉडी होती है, एंटायर बॉडी जो होती है उसकी जो कवर्ड होती है किससे, हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन से जो कवर्ड होती है, ठीक है, हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन से जो कवर्ड जो होता है। और सेगमेंट जो होते हैं उसके, सेगमेंट जो होते हैं आपके उसके, तो उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है याद रखेंगे वो एक तरह से हार्डन प्लेट है, कैसी है, वो हार्डन प्लेट है। और याद रखना उसको क्या बोलेंगे, हम स्क्लेराइट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्लेराइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्क्लेराइट्स में जो डॉर्सली होंगे, जो डॉर्सल पोजीशन पे जो आपका हार्डन प्लेट होगी उसको क्या बोलेंगे, हम टर्जाइट्स बोलेंगे। और देखिए जो आपका वेंट्रल पोजिशन पे जो आपका स्क्लेराइट्स होंगे या फिर जो हार्डन प्लेट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टर्नाइट्स जो है उसको जो है यहाँ पे बोलेंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्क्लेराइट्स क्या है, कि जो आपका कॉकरोच का सेगमेंट है उसका जो
एक्सोस्केलेटन किसी का बना हुआ है, हार्डन प्लेट का जाओ बना हुआ है, उसको क्या बोला गया यहां पे, स्क्लेराइड्स यहां पे जाओ बोला गया है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो हम यहां पे याद रखेंगे कि जो आपका मॉर्फोलॉजी है उसमें हेड जो है आपका कॉकरोच का, वो आपका ट्रायंगुलर शेप का, कैसा है वो, ट्रायंगुलर शेप का जो है वो आपका वो होता है। तो इसमें याद रखना है कि जो हेड है वो सिक्स सेगमेंट्स से के फ्यूजन से मिलकर जाओ बना हुआ है, सिक्स सेगमेंट्स के फ्यूजन के मिलने से जाओ यहां पे बना हुआ है। अब सिंपल सी बात याद रखना है आपको कि एक तो आपको याद रखना है एंटीना यहां पे अराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एंटीना आपको अराइज देखने को मिल रहा है। तो यहां पे देखिए ये आपका हेड रीजन है, क्या है ये, हेड रीजन है आपका पूरा, ठीक है। ए में आपका जो क्या है आपका, ये हेड रीजन है। तो इसमें याद रखना है आपको कि कंपाउंड आईज है एक तो इसके पास, कॉकरोच के पास, और दो एंटीना है, क्या है इसके पास, एंटीना है। तो यहां पे याद रखो एंटीना, एंटीना है आपके एक तरह से सेंसरी रिसेप्टर्स, क्या है वो, आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो है ये है जो कि आपका मॉनिटरिंग करेंगे किस चीज की, एनवायरमेंट की जाओ मॉनिटरिंग करेंगे कि आगे जाओ कुछ आ तो नहीं रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो आपका एंटीरियर एंड है इसका, एंटीरियर एंड जो है इसका उसके हेड का, तो उसके पास जो कुछ आपके जो बाइटिंग एंड च्यूइंग पार्ट्स जो देखने को मिलते हैं, यानी कि माउथ पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखना है जो उसका अपर लिप होता है, जो अपर लिप होता है उसका वो क्या है, लेब्रम है, क्या है, लेब्रम है, ठीक है। और जो आपका लोअर लिप है वो उसका क्या है, लेबियम है, लोअर लिप आपका लेबियम और अपर लिप लेब्रम है, ठीक है। वहां पे आपको पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैंडिबल्स है, ठीक है। और यहां पे देखना है पेयर ऑफ मैक्सिला भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए यहां पे मैंडिबल है, ये आपका मैक्सिला है और ये आपका जो है लेब्रम है। अब सिंपल सी बात है, जो मैंडिबल है उसके पास ग्राइंडिंग करने के रीजन भी है और इंसिजन रीजन भी है, ठीक है, ये आपको देखना है मैंडिबल, ये देखो ग्राइंडिंग रीजन भी है इसके पास और इंसिजन रीजन भी है, और ये है आपका पूरा का पूरा मैक्सिला, ये सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिल रही है आपको, ये क्या है आपका मैक्सिला है पूरा, और ये ऊपर वाला जो लिप है आपका लेब्रम है और जो नीचे वाला लिप है, लिप है आपका वो जो आपका लेबियम है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये आपका हाइपोफेरिक्स है, क्या है आपका, ये हाइपोफेरिक्स है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए जो आपका टंग की तरह एक्टिव करेगा, टंग की तरह जो आपका एक्शन करेगा वो आपका क्या होगा, हाइपोफेरिक्स होगा, जो कि आपका जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके जो उसके साथ एनक्लोज रहेगा एज अ कैविटी, वहां पे एनक्लोज जाओ रहता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा थोराक्स रीजन, जो थोराक्स रीजन है उसको मैं तीन भागों में बांट रहा हूं यहां पे। तो यहां पे जो आपका प्रोथोराक्स है रीजन, एक आपका मीजोथोराक्स रीजन है, एक आपका यहां पे मेटा थोराक्स रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोथोराक्स रीजन, मीजोथोराक्स रीजन और मेटाथोराक्स रीजन आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है जो हेड है, यहां पे लिख देता हूं मैं, हेड इज कनेक्टेड टू प्रोथोराक्स रीजन, जो आपका प्रोथोराक्स रीजन से जाओ कनेक्टेड है, हेड किससे कनेक्टेड है, प्रोथोराक्स रीजन से जाओ कनेक्टेड है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, नेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, नेक बोलेंगे, उस रीजन को जहां पे वो जाओ कनेक्टेड है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो आपका थोरासिक सेगमेंट है, यानी कि थोराक्स जहां पे है वो आपका थोरासिक सेगमेंट है, उसके पास कुछ वॉकिंग, क्या है उसके पास, वॉकिंग लेग्स है, क्या है उसके पास, वॉकिंग लेग्स है। और याद रखना है फर्स्ट पेयर ऑफ जो वॉकिंग लेग्स है, ठीक है, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं हम, विंग्स बोल रहे हैं, वो आपका कहां पे आपका, वो मीजोथोराक्स से अराइज हो रही है, ठीक है। और जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है आपका, वो कहां से अराइज हो रही है, वो मेटाथोराक्स से जो आपकी अराइज हो रही है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है अच्छे से कि जो फर्स्ट पेयर है आपका वो मीजोथोराक्स से और जो आपका सेकंड पेयर है आपका वो मेटाथोराक्स से अराइज हो रहा है, ठीक है। जो फोर विंग्स है,
वो क्या है आपकी, वो मीजोथोरासिक है। क्या है वो? मीजोथोरासिक है। उनको क्या हम क्या बोलते हैं? टैगमिना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टैगमिना बोल देते हैं। ठीक है, जो आपकी डार्क कलर की है, लेदरी कलर की है और कवर करती है हाइंड विंग्स को। ठीक है, जबकि हाइंड विंग्स जो आपकी वो कैसी है, वो ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है और आपकी फ्लाइट के लिए यूज की जाती है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। इसको आप जो ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको। ठीक है, तो ये आपका हेड रीजन, पार्ट्स ऑफ हेड रीजन, आपका जो माउथ पार्ट्स के बारे में आपके यहाँ पे बात हुई। ये सारे एक सारे क्या है आपके, वो माउथ पार्ट्स हैं। क्या है आपके? माउथ पार्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट्री कनाल कॉकरोच की। सबसे पहले देख लेंगे एलिमेंट्री कनाल यहाँ पे कॉकरोच की। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसके पास फेरिक्स भी है, सलेवरी रिजर्वर भी है, ओसोफेगस भी है, क्रॉप भी है, गिजार्ड भी है, हेपेटिक सीके भी है, मेजेंट्रॉन भी है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी है, इलियम भी है, कोलोन भी है, रेक्टम भी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉकरोच जो है, जो कॉकरोच है उसके पास फोरगट भी है, दूसरे याद रखेंगे मिडगट भी है, तीसरे याद रखेंगे हाइंड गट भी उसके पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तो ध्यान देना है कॉकरोच के पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल देखने को मिल रही है। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल का मतलब है यहां की दो ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है, एक आपका अनस है। ठीक है, माउथ से आप इंजेक्शन करोगे और अनस से आप क्या करोगे, इजेक्शन जो यहाँ पे करोगे, ध्यान देना है। अब देखिए फोरगट को हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं, मिडगट को हम मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं और आपका हाइंडगट को प्रोटोडियम भी बोलते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपका यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है? ओपन टाइप, यानी कि इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट है यहाँ पे, इसको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो ये फेरिक्स से लेकर जो है आपका ग्रिजार तक का पोर्शन है, जो फेरिक्स से लेकर ग्रिजार तक का पोर्शन है, ये आपका क्या पोर्शन है? वो फोरगट का पोर्शन है, फेरिक्स टू ग्रिजार तक का पोर्शन। सिंपल सी बात है, फेरिक्स माउथ से आपका जो है आपका ओसोफेगस में खाना आएगा और वो क्रॉप में जो है स्टोर होगा, गिजार जो है उसको ग्राइंड करेगा। ठीक है, गिजार उसको ग्राइंडिंग करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हेपेटिक सीके देखने को मिल रहा है। हेपेटिक सीके से, हेपेटिक सीके का जो नीचे का पोर्शन है ये मेसेंट्रॉन, ये सब आपका क्या है, ये मिडगट वाला पोर्शन है। क्या है आपका? ये मिडगट वाला जो है पोर्शन है, क्या बोलेंगे इसको? मेसेंट्रॉन यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे याद रखो हेपेटिक सीके, जो हेपेटिक सीके है वो आपका कनेक्टिंग लिंक है इसमें फोरगट प्लस मिडगट के बीच में। ठीक है, इसको याद रखना है। एंड देखिए यहां पे मालफीजियन टिब्यूस, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये आपका हाइंड गट का जो पार्ट रहता है। रेक्टम में आप जो स्टोर करते हो अपना वेस्ट मटेरियल, ठीक है, अपना वेस्ट मटेरियल जो स्टोर करते हो एंड आप जो अनस के थ्रू उसको जो इजेस्ट करते हो, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, इतनी सी चीजें आपको यहां से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आती है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देखने को मिलता है, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या देखने को मिलता है? मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे एक तरह से याद रखना है कि ये जो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स है ये रिमूवल करने के लिए यूज होता है, आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूवल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसमें से? हीमोलिम्फ में से, हीमोलिम्फ में से। तो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो हाइंड गट में इलियम, कोलोन और रेक्टम जो है पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है और रेक्टम डायरेक्टली जो आपका ओपन होता है अनस में, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, यहां से आपको कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉकरोच का ओपन टाइप जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है। देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे हर एक संभव मदद मिलेगी। HP TET
एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी के लिए जो आपको काफी लाभदायक रहने वाली है ये क्लासेस, तो आप उसको जरूर देखेगा। एंड आपको शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपको एचपी टेट की जाओ एमसीक्यू फॉर्मेट की क्लासेस मिलेगी, और बायोलॉजी एमसीक्यू नाम से जाओ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसको देखना है, मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है वो, ठीक है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैसा है, इसका ओपन टाइप जो है आपको देखने को मिलता है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे जो पूरी डेवलप्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक कैविटी है हीमोसील कैविटी, यहाँ पे देखने को मिलती है हीमोसील, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं वो आपके किस में हैं, आपके हीमोसील में वो आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हीमोसील जो आपका आपका बात करती है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड का नाम क्या बोला गया यहाँ पे, हीमोलिम्फ, यहाँ पे जो है ब्लड का नाम यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, याद रखना है। आप देखिए जो हीमोलिम्फ है, यहाँ पे हीमोलिम्फ है ब्लड का नाम है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा, और इसके अंदर हीमोसाइट्स है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हीमोसाइट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें हार्ट की, तो कॉकरोच का हार्ट जो है एक तरह से एलोंगेटेड मस्कुलर टाइप होता है, ठीक है, याद रखना है, जो कि आपका जो मिड डोर्सल लाइन होती है उसके आसपास जो प्रेजेंट देखने को मिलता है, जनरली थोराक्स एंड एब्डोमन रीजन के आसपास आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जाओ कुछ चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, करीब करीब 13 से आसपास, 13 के आसपास चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो 13 पेयर्स ऑफ हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कितने चैम्बर्स में हार्ट प्रेजेंट है, 13 पेयर्स ऑफ हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए जो ब्लड है वो आपका साइनोसिस से, ठीक है, हार्ट में एंटर करता है, ठीक है, किसके थ्रू, ओस्टिया के थ्रू जो है एंटर जाओ करता है, एंड इज पंप्ड एंटायरली साइनोसिस अगेन, जो आपका साइनोसिस को जो आपका पंप्ड जो करता है, ठीक है। अब देखिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको ट्रैकिया देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये ट्रैकिया जो है ओपन होता है 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, उसको क्या बोलते हैं आप, कॉल्ड स्पायरेकल्स, किस क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स जो बोलते हैं, जो आपके लेटरल साइड पे जो बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं वो आगे सब डिवाइडेड होती है, किसमें, ट्रैक्यूल्स में, किसमें, ट्रैक्यूल्स में जाओ सब डिवाइडेड जाओ होती है, ठीक है। और ये आपका जाओ कैरी करती है ऑक्सीजन को, ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स तक जो आपका ये भिजवाती है, ठीक है, याद, फ्रॉम एयर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए जो आपका स्पायरेकल्स होते हैं उसके पास स्पिंक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, उसके पास स्पिंक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करेंगे, क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में जो मदद करते हैं, ठीक है, ये आप इसको आपने याद रखना है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे ये हार्ट है पूरा का पूरा, किस चीज का, कॉकरोच का, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, एंटीरियर ऑर्टा यहाँ पे जो है लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स बोली जाती है, क्या है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल बोली जाती है, और इनकी मसल्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलरी मसल्स यहाँ पे जो है बोलते हैं, यहाँ पे हार्ट जो है वो चैम्बर्स में है, जनरली 13 पेयर्स ऑफ हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट जो है रहता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये आपका फनल शेप जो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरह से एलोंगेटेड शेप है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को इसका जो है मिलता है, क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है कॉकरोच का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। स्किन, टंग, ईयर, आईज, नोज, इसके जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो रहते हैं, ठीक है, टंग तो वैसे इसमें होती नहीं है, हाइपोफेरेक्सी है, ठीक है, हाइपोफेरेक्सी है एक तरह से, ठीक है। आईज, ईयर्स और नोज तो आपके जो है यहाँ पे बहुत कम देखने को मिले, यहाँ पे जनरली जाओ कंपाउंड आईज देखने को मिल जाए, ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है हेड, थोराक्स एंड एब्डोमन रीजन, उसमें से कुछ आपके जो सेंसरी हैं कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें जो स्किन होती है,
लेकिन यहाँ पे कंपाउंड आइज है, नोज यहाँ पे है नहीं, ईयर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये आपका ह्यूमंस के बारे में था, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। देखिए लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी, यहाँ पे एंटीरियर ओटा यहाँ पे देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। अब सबसे समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यहाँ पे याद रखना है मालफीजियन टिब्यूल्स जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि वो आपका एक्सक्रीशन का काम करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट जो यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ईच टिब्यूल है, जो आपका ट्यूब्यूल है इसका, वो आपका ग्लैंडुलर भी है और सिलिएटेड भी है। क्या यहाँ पे सिलिएटेड सेल से जो है वो आपका बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने हैं कि ये आपका नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होता है, ये जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको जो आपका अब्सॉर्ब कर, सिंपल सी बात है यहाँ पे याद रखना है। देखो हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजन वेस्ट जय निकालेगा और वो नाइट्रोजन वेस्ट जो आपका यूरिक एसिड के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, याद रखना है। और ये आपके जनरली यूरिकोटेलिक होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है। याद रखना है कि जो आपका मालफीजियन टिब्यूल्स है वो आपका एज अ वेस्ट मटेरियल काम करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा काम करता है। ग्लैंडुलर सेल्स और टिब्यूल सिलेटेड सेल्स वहां पे देखने को मिलते हैं और ये आपका नाइट्रोजन वेस्ट को अब्सॉर्ब करेगा एंड यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करेगा उसको यूरिक एसिड में, जो है कन्वर्ट करता है और यूरिक एसिड को ये हाइंड गट के थ्रू जो है वो बाहर निकालता है। यूरिकोटेलिक जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे यूरिकोज ग्लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है यूरिकोज ग्लैंड, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेफ्रोसाइट्स यहाँ पे होते हैं और यूरिकोज ग्लैंड है यहाँ पे जो कि एक्सक्रीशन का काम जो है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में, किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है जो आपका नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, वो फ्यूज टाइप जो रहता है और यहाँ पे सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है, सेगमेंटली अरेंज्ड जो गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जो आपके तीन गैंग्लिया हैं वो आपके थोराक्स रीजन में है, थोराक्स रीजन में है और सिक्स आपके जो एब्डोमन में है, किसमें है, एब्डोमन में है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो आपका पूरी बॉडी में है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, थ्रू आउट द, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नर्वस सिस्टम जो आपका वो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे जो बोलने को रहता है कि नर्वस सिस्टम का जो थ्रू आउट द बॉडी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन यहाँ पे है, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओइसोफेजियल जो है गैंग्लियन यहाँ पे जो होता है और ये आपका सप्लाई करता है एक तरह से नर्व्स टू एक तरह से एंटीना एंड कंपाउंड आइज, ठीक है, इसको याद रखना। तो कंपाउंड आइज इसको पता है आपको कि वो एक तरह से यहाँ पे देखने को मिलती है, सेंसरी पार्ट रहता है एंटीना और कंपाउंड आइज, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स आपके एंटीनाज है, यहाँ पे आइज है, मैक्सिलरी पैल्प्स है, लेबियल पैल्प्स है और सरकाई जो यहाँ पे कंपाउंड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओमेटिडा होता है, क्या होता है, ओमेटिडा होता है। तो यहाँ पे ईच आई में, आई के में आपको जाओ हेक्सागोनल ओमेटिडिया आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपके जो एक तरह से सेवरल इमेजेस जो ऑब्जेक्ट की जो रिसीव जो कर सकते हैं, ठीक है। विजन इनका जो है मोजेक विजन देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। सिंपल सिंपल चीजें आपको याद रखनी है कि आपको जो यहाँ पे करेक्टर्स क्या क्या है उसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का और फीमेल का, सिंपल याद रखेंगे ये ऊपर वाला मेल है और नीचे वाला फीमेल है। तो मेल के पास टेस्टिस है, फैलिक ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिला है, स्मॉल ट्यूब्स ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स सेमिनल वेसिकल्स वासा डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट राइट फेलोमेयर वेंट्रल फेलोमेयर अनल सर्कस और कोडल्स, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये फेलोमेयर आपका जो कोगुलेटरी ऑर्गन है,
ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे बोला गया है, और एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो आपका मालफिजन ट्यूब्यूल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए ओवरी यहाँ पर है, वहां पे टेस्टिस थी, ओविडक्ट यहाँ पे जो आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिला, वासा डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड यहाँ पे है, वहां पे फेलिक ग्लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जेनिटल चैम्बर भी है, वेस्टिब्यूलम भी है, ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है स्पर्मेथिका भी है। सिंपल सी बात याद रखना है आपको, गोनापोफाइसिस भी है, और ऊते का जो है वो आपका यहाँ पे ओवा को यहाँ पे बोलते हैं, एग सेल्स को यहाँ पे बोलते हैं। तो सिंपल इतना याद रखो कि यहाँ पे आपको जो है वो दो ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं, फेलिक ग्लैंड, ये भी आपका जो मेल कॉकरोच में है, ठीक है, एक आपका देखिएगा ये आपका कोलेट्रल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड, ये आपको फीमेल कॉकरोच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यूरिकोज ग्लैंड यहां पर है, कौन सा है, यूरिकोज ग्लैंड, ये आपका कॉकरोच के अंदर जो होता है, इसको याद रखना, तीन ग्लैंड के नाम याद रखना है, पूछ जा सकते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है आपको, यहां से कितने जाओ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसको सिर्फ इतना याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोफोर्स जो आपका स्पर्म्स जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोफोर्स स्पर्म्स जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो उथिका जो है बनेगा, ठीक है, दोनों आपके फर्टिलाइजेशन करेंगे, देन आपका जो यहाँ पे न्यू आपका जो ऑर्गेनिज्म जो है बनता है, इसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसको इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो आपका जो फ्रॉग के बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में जो है जान लेते हैं कोशिश। तो फ्रॉग में आपको देखने को मिलती है कि आपको जाओ स्किन जो है उसकी जाओ थोड़ी सी वेट, आपके जाओ एक तरह से स्मूथ स्किन देखने को मिलती है, स्मूथ स्किन आपको वहां पे देखने को फ्रॉग के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। जनरली आपके फ्रेश वाटर, ठीक है, आपके लैंड में, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो है आपके एम्फीबियंस की कैटेगरी में जो है डाल दे जाते हैं फ्रॉग्स, इसको आपने ध्यान देना है, एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं, और ये एम्फीबियंस आपका जाओ कोऑर्डिनेटर आते हैं किसमें, तो आपका यहाँ पे फ्रॉग आपका जाओ कोऑर्डिनेटर जाओ रहता है, ठीक है। आप देखिए जो आपके इंडिया में फ्रॉग्स की स्पीशीज है, तो आपकी जाओ राणा टिग्रिना है, इंडिया में राणा टिग्रिना आपको फ्रॉग की जो स्पीशीज देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये पोइकिलो थर्मल्स होते हैं, क्या होते हैं, पोइकिलो थर्मल्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसको आपने याद रखना है। जनरली आपको याद रखना है एक और चीज कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये दोनों करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि विंटर स्लीप भी करते हैं ये, और आपका समर स्लीप भी ये करते हैं, ठीक है, समर में भी ये बहुत कम निकलते हैं और विंटर में भी बहुत कम निकलते हैं, ये आपके बरसातों के टाइम पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि ये प्रोटेक्टिव कलरेशन यानी कि मिमिक्री भी जो आपकी करते हैं, ठीक है। आपका एक याद रखना है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब भी क्या है कि ये अपना जो रूप जो बार बार चेंज करते हैं, ठीक है, अपने आपको एनिमी से हाइड करने के लिए जो आप मिमिक्री जो ये करते हैं, सो क्या बोले हैं, कैमोफ्लेज जो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेशन भी करने वाले और एस्टिवेशन करने वाले आपके जो आपके फ्रॉग्स ही होते हैं। और याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर ये कभी भी नहीं पीते, ये वाटर को कभी नहीं पीते, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ये वाटर लेते हैं। देखिए स्किन इनकी जो इनकी स्किन पर वाटर होता है, जैसे आपके पानी में जाएंगे तो स्किन के ऊपर जो वाटर लगता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुंह से वाटर जो कभी नहीं पीते हैं, ये आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये आपका जाओ मान लो ये इस तरह से फ्रॉग देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको हेड रीजन, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रंक रीजन आपको देखने को मिलेगा, और आपको फोर लिम्ब रीजन आपको देखने को मिलेगा, और आपका हाइंड लिम्ब रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आईज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आईज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात आती है थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो फ्रॉग के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जनरली आपको याद रखना है कि ह्यूमंस की तरह जाए यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए माउथ भी यहां पर है, माउथ लीड करता है आपका बक्कल कैविटी,
बकल कैविटी, इसके पास टंग भी होती है, हाइपोफेरेंक्स जिसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ओइसोफेगस है, यहाँ पे क्या है ओइसोफेगस, जिसके थ्रू वाटर जो है फूड ट्रांसपोर्ट होगा, देन आपका वो स्टमक में जाएगा, किस में जाएगा स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है फूड, ठीक है। अब इसके पास एट लास्ट रेक्टम है, क्या है रेक्टम है जो स्टोर करेगा फूड को। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो ये आपका लीवर पोर्शन है, यहाँ पे आपको जो है लीवर पोर्शन देखने को मिल रहा है, क्या ये लीवर पोर्शन है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस जो सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है बाइल जूस जो सिक्रीट कर रहा है, और ये है आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ पे क्या है ये बाइल जूस को स्टोर करेगा, जो लीवर से सिक्रीट होगा बाइल जूस वो कहाँ स्टोर होगा आपका, वो गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होगा। ये है निचली साइड आपको जो है देखने को मिल रही है, ये आपके लंग्स है जहां से ये रेस्पायर जो करता है, क्या है ये रेस्पायर जो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किडनीज है, किडनीज हैं तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन का काम होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए किडनी जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रही है, किससे के थ्रू यूरेटर्स के थ्रू अटैच हो रही है, या आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा कि स्टोरेज हो रही है यूरिन की। फिर आपको ये नीचे देखो क्लोएका है, क्या है क्लोएकल अपर्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनस के थ्रू जो आप जो फूड को बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनस या फिर क्लोएका के थ्रू, जो आपको इजेस्टेड जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको जो है आप यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पैनक्रियाज भी आपको देखने को मिलता है, क्या आप देखने को मिलता है पैनक्रियाज भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपके पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट जो करते हैं, ठीक है ठीक है, याद रखना है। तो जो बाइल होता है वो जनरली फैट को इमल्सीफाई करता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो जनरली आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जो है वो डाइजेस्ट जो करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका फाइनल डाइजेशन होगा वो इसके अंदर कहाँ होगा, वो इंटेस्टाइन के अंदर जाओ होता है, ठीक है याद रखना है। अब देखिए जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर जाओ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है कुछ आपकी जाओ, उनको क्या बोलेंगे हम विलाय बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम विलाय यहाँ पे बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है रेस्पायर जाओ करते हैं, ठीक है। आपका जो याद रखना है स्किन के थ्रू भी जो आपका वो रेस्पायर जाओ करते हैं, तो जब अगर स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होती है, क्या होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होती है, ठीक है ये आपको याद रखना है। और डिफ्यूजन वहां पे जो प्रोसेस लगती है, क्या रखती है डिफ्यूजन प्रोसेस लगती है, वाटर के अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आप रेस्पायर जो करते हैं, ठीक है। लैंड पे अगर आप बात करें तो वहां पे बक्कल कैविटी के थ्रू, ठीक है स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू यहाँ पे जो रेस्पायर जो किया जा सकता है, ठीक है। और जनरली आपको याद रखना है पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कैसी पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ठीक है इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा थोराक्स रीजन भी है आपका, ठीक है, और एयर करेगी एंटर नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में जाएगी देन इनटू लंग्स, ठीक है। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन यहाँ पे होती है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस होता है वहाँ पे, जिस समय अगर अगर ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करते हैं तो उस समय जो आपका स्किन के थ्रू जो है रेस्पायर करेंगे, और वाटर के में आपका जो स्किन के थ्रू जो है रेस्पायर ये करते हैं, ठीक है इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है आपका, यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का जो वस्कुलर सिस्टम है, क्लोज्ड टाइप का जो वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा, और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट यहाँ पे देखने को मिला है, ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और आपका ब्लड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ भी है, लिम्फ चैनल्स भी हैं आपके, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा हार्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो जनरली आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है अपर पार्ट पे जाओ बॉडी कैविटी के देखने को मिलता है आपको हार्ट, क्या है हार्ट, ठीक है। जनरली आपको याद रखना है कि उस हार्ट में आपको दो एट्रिया देखने को मिलते हैं और एक वेंट्रिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि थ्री चैम्बर हार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब सिंपल याद रखना है कि हार्ट की जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है, क्या है वो आपकी पेरिकार्डियम है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है।
इसको आपने याद रखना था, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में आपको जो यहाँ पे हार्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे याद रखना है साइनस विनोसस जो है आपका ज्वाइन करती है राइट एट्रियम को, ठीक है, राइट एट्रियम को। तो राइट एट्रियम में आपको याद रखना है साइनस विनोसस के थ्रू जाओ, डीऑक्सीजनेटेड जाओ, ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आर्टरीज हैं वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो यहाँ पे सर्कुलेट जाओ करती है पूरी बॉडी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वीनस आपका वीन से रिलेटेड है और आपका आर्टरियोल्स आपका जो आर्टरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका जो हार्ट रहता है, ठीक है, ये आपका हार्ट रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है किडनीज में आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम भी है और आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी है और आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है, ठीक है, याद रखना है। पहले रीनल पोर्टल सिस्टम आएगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आएगा और उसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम आएगा, ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। जनरली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो आपका ये लीवर का भी रहता है, हेपेटिक सिस्टम, ठीक है, इसको याद रखना है। ब्लड जो है आपका यहाँ पे कंपोज्ड है एक तरह से प्लाज्मा और सेल्स से, ठीक है। जनरली ब्लड सेल्स आपके जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और प्लेटलेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जनरली ये न्यूक्लियेटेड है हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी यहाँ पे वो आपका न्यूक्लियेटेड है, कैसा है, न्यूक्लियेटेड है, जबकि ह्यूमंस के केस में जो आपका आरबीसी न्यूक्लियेटेड नहीं होता है, ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है आपका वो आपका किसके फॉर्मेट में निकलता है, वो आपका यूरिया के फॉर्मेट में जो है निकलता है, यूरियोटेलिक आपके ये होता है, तो आपका कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक और आपके फ्रॉग्स यूरियोटेलिक आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है यूरिनिफेरस जो आपका ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स यानी कि नेफ्रॉन्स यहाँ पे आपके देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको यूरिनरी ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे और आगे चलते हैं कि देखिए यहां पे आपको जाओ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपका पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रेटिक आइलेट्स है, एड्रेनल्स है और गोनाइड्स है, यहाँ पे आपको जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए बीडर्स कैनाल भी यहीं पे होती है, बीडर्स कैनाल भी इसके पास जो कॉकरोच के पास होती है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में तीन टाइप है, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेगी, ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपको देखने को मिलता है सिंपैथेटिक, ठीक है, एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स, ये आपको याद रखना है, पैरासिंपैथेटिक नर्व्स आपको वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। फोर ब्रेन आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स वहां पे देखने को मिलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से आपका यहाँ पे डायनसेफलॉन आपको देखने को मिलता है फोर ब्रेन में, ठीक है। और देखो हाइंड ब्रेन में सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगा होगा, ठीक है, और मिड ब्रेन में आपको पता है कि एक तरह से जो आपका फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्टिव करने की जो है कोशिश जो करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। जनरली जितने भी आपके ब्रेन आपका जो तीन टाइप से डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। तो देखो फोर ब्रेन में आपका जाओ और एक तरह से यहाँ पे याद रखना है डायनसेफलॉन है, क्या है यहाँ पे, डायनसेफलॉन है, सेरेब्रम यहाँ पे है, ठीक है, सेरेब्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हाइंड ब्रेन में और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है,
ठीक है, मिड ब्रेन में आपको जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ऑल्फैक्टरी लोब्स आपके जो फोर ब्रेन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सेंस ऑर्गन्स के बारे में इसके। तो याद रखना है, टच एक तरह से सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे टच के लिए सेंसरी पैपिली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पैपिली देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होंगे। क्या होंगे? टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्मेल के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है नेजल एपिथेलियम यहाँ पे होगा। क्या होगा? नेजल एपिथेलियम यहाँ पे होगा। ठीक है, विजन के लिए आपके यहाँ पे आईज है। क्या है? आईज है। और हियरिंग के लिए यहाँ पे ईयर्स नहीं है, ईयर्स की जगह क्या होंगे यहाँ पे? टिम्पैनम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, विद इंटरनल ईयर्स होंगे, इंटरनल ईयर्स है। कैसे है? इंटरनल ईयर्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। आप देखिए, जो टिम्पैनम होता है वो एक तरह से बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, जो आपका इक्विलिब्रियम जो मेंटेन कर रखता है। क्या रखता है? इक्विलिब्रियम जो मेंटेन जो करके रखता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो बस आज इतना ही करते हैं, इतना आपको जो आता है यहाँ से, जो जो मैंने करवाना था आपको वो करवा दिया है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, काफ़ी समय से चला हुआ था, थोड़ा सा मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा था ये, और आप लोगों को भी डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए, जो कॉकरोच है वो आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। ये आपका लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, फ्रॉग आपका एम्फीबियंस में आता है। किस में आता है? एम्फीबियंस में आता है। और ये कोर्डेटा है। क्या है? कोर्डेटा है। आर्थ्रोपोडा आपका इनवर्टिब्रेटा है, इनको नॉन कोर्डेटा है। और अर्थवर्म आपका एनलिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और हर एक अपडेट के लिए आपको जो है वहाँ पे टेलीग्राम पे वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।